अमीश विनोद पाठक। कुछ दिन पहले मेरी जिंदगी भी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, ऐसा जो किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा जिसने 2 हफ्ते के अंदर ही मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आप भी मेरी कहानी सुनिए और अगला अमीश विनोद पाठक बनने से बचिए। भारत में सबसे ज्यादा आबादी है मिडिल क्लास फैमिली की। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। भारत में मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ भी कितनी एडवेंचरस है, नहीं? मैं भी बाकी लोगों की तरह सुबह 8 बजे ऑफिस जाता हूं, पूरा दिन बॉस लोगों की गालियां सुनता हूं और शाम को 7 बजे ऑफिस से वापिस आता हूं। ऑफिस से वापिस आने के बाद मैं घर वालों की ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशन सुनता हूं जो कभी मीट नहीं होने वाली। आप जानते हैं डिप्रेशन के 4 स्टेज होते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत की मिडिल क्लास डिप्रेशन के 2रे स्टेज पे तो ऑलरेडी होती है, मगर जब जिंदगी मजे लेने पे आ जाए तो लोग भी उसके हिसाब से एडजस्ट करना सीख लेते हैं। दूसरी बात, हर मिडिल क्लास फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा इंजीनियर जरूर होता है जिसके पास जॉब भी होती है, सैलरी भी होती है, लेकिन उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं होती। मैं भी अपनी फैमिली का वही इंजीनियर हूं। अब मिडिल क्लास लाइफ में ट्विस्ट कब आता है? जब उनके घर में कोई फंक्शन होता है। मेरे घर में भी मेरे बहन की शादी है और इसी वजह से मेरे घर वालों की एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज्यादा है। हेलो माँ, नमस्ते। कैसे हो आप? हाँ, मैं भी बढ़िया। हाँ माँ, मालूम है मुझे, मेरे बहन की शादी है 2 वीक बाद। माँ किया है ना लोन के लिए अप्लाई, मिल जाएगा 2-3 दिन में। ले लेना फिर, कार ले लेना, गहने ले लेना, जो आपका मन करे ले लेना। माँ मालूम है मुझे। माँ समझता हूं मैं। माँ फोन रखिए, फोन रखिए। बहन की शादी है मेरी 2 वीक बाद। लड़के वालों को कार चाहिए, गहने चाहिए। 8 लाख के लोन के लिए अप्लाई कर रखा है मैंने, लेकिन उनकी हरकतें देख के लग रहा है कि 20-25 लाख भी कम पड़ेंगे। यार पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? घर वाले ऊपर से अलग प्रेशर कर रहे हैं कि पैसे ला पैसे ला। किडनियां बेच दूं क्या मैं अपनी? अमीश कुछ कर यार, कर। अभी क्या कर सकता है? मेल चेक कर, जॉब मिल जाए, जॉब देख। क्या यार, एक इंजीनियर अपनी औसतन पूरी प्रोफेशनल लाइफ जॉब ढूंढने में लगा देता है। मैं भी वही कर रहा था, लेकिन तभी मुझे एक मेल दिखा। ये कैसा मेल है यार? जैकपॉट, पे ₹70 फॉर टोकन नंबर एंड विन $1,00,000। लास्ट डे फॉर एनरोलमेंट। तो यहीं से शुरू होता है पैसे का फेर। अमीश क्या पता भगवान ने तेरे लिए ही ये जैकपॉट रखा हो। मान ले $1,00,000 तुझे मिल गए तो तेरी बहन की शादी धूमधाम से होगी, पूरा शहर देखेगा। कर दूं क्या अप्लाई? क्या कहता है? कर देता हूं। क्लिक किया। ₹75 पे करने हैं। पेमेंट हो गई। टोकन नंबर 4-5-4-6-4-2। भगवान ये जैकपॉट दिला दे। आज तक कुछ नहीं मांगा तुझसे, ये जैकपॉट एक बार दिला दे। मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी धूमधाम से, मैं घर वालों की सभी जरूरतें पूरी कर दूंगा। चलो यार, कल सुबह ऑफिस जाना है,
सोते हैं यार। 8 लाख भी बैंक से हो गए लेकिन वो भी कम पड़ रहे हैं। पैसे की जरूरत है, किससे लूं किससे मांगूं। ये किसका फोन है? हेलो हेलो सर, मैं जैकपॉट कंपनी से रीमा बात कर रही हूँ। जी बोलिए। एक्चुअली आपने जैकपॉट के लिए अप्लाई किया था, उसका रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, क्या आप अपना टोकन नंबर कंफर्म करा सकते हैं? मैम एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। लिखिए लिखिए 454642। ओके, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, 454642। जी जी जी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप 1 लाख $ जीत चुके हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि इंडियन रुपीज के हिसाब से 75 लाख रुपए होता है। 75 लाख रुपए? मैम सही बोल रहे हो क्या? जी हाँ, आप 75 लाख रुपए जीत चुके हैं। जी जी सर, हमने आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक फॉर्म सेंड किया है, आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आज शाम तक के सबमिट करना है। अगर आप आज शाम तक के नहीं करते हो तो आप ये जो विनिंग प्राइज है हम ये किसी और को दे देंगे। नहीं मैम, मैं आज ही करूंगा, आज आपको इन्फॉर्मेशन सब पूरी भेज देता हूँ। ओके थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू प्रभु, अब देखना मैं अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करवाऊंगा। मेल भेजे हुए 3 दिन हो गए, अभी तक कोई रिवॉर्ड नहीं आया। दिन में कितनी बार एक ही चीज देखता रहूंगा मैं। हेलो हेलो अमीश जी, मैं रीमा बात कर रही हूँ जैकपॉट कंपनी से। जी बोलिए। हमने आपका अमाउंट प्रोसेस कर दिया है, हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक मेल आया है, उसमें अकाउंट और IFSC कोड है, तो उसमें 18 लाख रुपए डालने हैं ताकि हम आपके 75 लाख रुपए प्रोसेस कर सकें। आप मुझे पागल बना रहे हैं क्या? कहाँ से लेके आऊंगा मैं 18 लाख रुपए? सर आप 75 लाख जीते हैं, जब ये पैसा US से प्रोसेस होकर आपके अकाउंट में आएगा तो उस पर टैक्स लगेगा 32.5%, उसमें से हम आपसे सिर्फ 25% ही मांग रहे हैं। लेकिन आप तो इंडिया से बोल रहे हैं ना? सर इंडिया में हमारा ऑफिस है, बाकी जो हमारी कंपनी है वो US बेस्ड है। सर आपके पास आज का ही दिन है, आपको प्राइज मनी चाहिए तो आज पैसे डाल दीजिए, अदरवाइज हम ये विनिंग प्राइज किसी और को दे देंगे, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आप फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ। अमीश जी, अगर हम आपके साथ फ्रॉड करते तो अकाउंट नंबर और IFSC कोड नहीं देते, बाकी आपका डिसीजन है। पर फोन काट दिया यार, कहां से लेके आऊंगा 18 लाख रुपए यार? ये टैक्स 32% नहीं लगता है क्या? हाँ यार, बात तो ये भी सही कह रहे हैं, 32.5% टैक्स लगता है। उमेश क्या लगता है, 75 लाख रुपए, 75 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार। सिस्टर की शादी में पैसे वैसे भी कम पड़ रहे हैं यार। एक काम करता हूँ, लोन के पैसे 8 लाख है ही मेरे पास, और गहने रखे हैं मेरे पास, 8 लाख के गहने रखे हैं और 2 लाख मेरे पास सेविंग पड़ी है, दे देता हूँ। 75 लाख आए ना, ऐसी शादी करूंगा मैं अपनी बहन की, पूरी सिटी देखती रह जाएगी। करता हूँ। यार पैसे डलवाए 2 दिन हो गए यार, फोन ही नहीं उठा रहा है कोई। फिर से करता हूं।
यार उठा लो फोन, उठा लो यार, उठा लो भाई, 18 लाख दिए हैं यार, उठाओ फोन। यार आज तीसरा दिन है यार, फोन नोटरी टेबल करके बैठ गए। यार मेरे बहन की शादी है यार 3 दिन बाद। नॉट रिचेबल, क्या करूं मैं? मुझे लगता है मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, पुलिस को कॉल करता हूँ। हेलो पुलिस, बर्बाद हो गए, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। 2 दिन बाद बहन की शादी कैसे कर पाऊंगा मैं? पागल हूँ क्या? नहीं बताऊंगा। शायद पापा को पता चल गया। हेलो पापा। हाँ पापा। हाँ पापा, गहने मैंने ही बेचे। हाँ पापा, वो 8 लाख 18 लाख रुपए दे दिए मैंने उनको। 8 लाख बैंक के लोन का, 8 लाख गहने बेचे, सब बेच दिया। सॉरी बाबा, मालूम है बहन की शादी है 2 दिन बाद, समझ नहीं आ रहा कहां से लाऊं पैसे। पापा फ्रॉड हो गया मेरे साथ। पापा पापा पापा, रियली वेरी सॉरी बाबा। माँ को भी सॉरी बोलना, मेरी बहन को सॉरी बोलना कि उसका भाई एक नंबर का नालायक था। पापा रियली वेरी सॉरी। नहीं बात करता, एक ही चारा दे रहा है। मुझे वो करना पड़ेगा। दूध दूध भैया, दूध दूध भैया, दूध, दरवाजा खोलिए भैया, दूध। रवि दूध ले लेना जाके। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं मम्मा, गंदा सपना आया था एकदम। कुछ नहीं मम्मी, कल रात को किसी एक्टर ने सुसाइड कर लिया था, वो न्यूज़ सुन रहा था, और एक लॉटरी या जैकपॉट क्या था पता नहीं, वो मेल आया था कुछ, वो अप्लाई किया था, शायद वही दिमाग में घूम रहा था। मम्मी एक मिनट रुकिए, मम्मी कुछ तो किसी का कॉल आ रहा है, एक मिनट। हेलो हेलो अमीर जी,
जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 75 लाख US डॉलर जीत चुके हैं।